तो दोस्तों, अगर आप रोकते हैं छींक तो करना पड़ सकता है इन परेशानियों का सामना। कुछ लोग अपनी छींक जबरदस्ती रोकते हैं, वहीं कुछ लोग अन्य व्यक्तियों को छींक आने पर उनका ध्यान भटकाकर छींक रोकने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि जब नाक और मुंह बंद करके किसी की छींक को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया जाए तो ये जीवन के लिए घातक हो सकता है, डॉक्टर्स ने इस संबंध में बताया है। इन डॉक्टर्स में भारतीय मूल के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में, जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल एक व्यक्ति हाल ही में छींक रोकने का कर्तव्य दिखाने का प्रयास करते हुए घायल हो गया था। उसके गले में दिक्कत पैदा हो गई थी। अपनी नाक और मुंह बंद करके छींक रोकने का प्रयास करने पर इस युवक के गले में झनझनाहट पैदा हो गई और फिर गला सूज गया। ब्रिटेन के लिसेस्टर विश्वविद्यालय अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। भारतीय मूल के रघुविंदर एस सहोटा और सुदीप दास सहित अन्य डॉक्टर्स ने भी कहा, थोड़ी देर बाद उसने कोई चीज निगलने में दर्द महसूस किया और फिर उसकी आवाज चली गई। 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसकी दिक्कतों में कमी हुई और उसे छुट्टी दी गई। डॉक्टर्स ने कहा कि नाक और मुंह बंद करके छींक रोकना खतरनाक हो सकता है, इससे बचना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एंड फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।